आज पुष्पा बहुत खुश है। सुबह से ही वह सोलह श्रृंगार में लगी हुई है। नए कपड़े और सोने के पारंपरिक गहने से खुद को सवार कर वो आज नारली पुनव के पावन पर्व के लिए तैयार हुई है। समंदर पुष्पा के गोराई गांव के बेहद पास है और पुष्पा इस सागर के किनारे अपने पति लक्ष्मण के साथ पूजा के लिए आई है। पर्व के लिए पति पत्नी पारंपरिक कोली लिबास में हैं। पुष्पा ने 9 गज की साड़ी या लुगड़ा पहन रखा है। इसे कमर पर लपेटा जाता है। साड़ी घुटने तक पहुंचती है और पैरों के बीच से खींचकर कमर में बांधी जाती है। शरीर के ऊपरी हिस्से पर एक चुस्त चोली है। गले में है भारी सोने का हार या पोत। कानों में है बालियां जिसे कापोटी कहते हैं। पति लक्ष्मण ने सफेद सुरका पहन रखा है। मछली मारते वक्त इसे लंगोट का रूप दे दिया जाता है। सोने के गहने इनके पहनावे का अभिन्न अंग होते हैं। नारियल पुनव के दिन से सागर की हवाएं मछुआरों के अनुरूप हो जाती है। आज लक्ष्मण पुष्पा सागर को नारियल भेंट कर रहे हैं। सागर देवी की पूजा करके वे मछली मारने के नए मौसम की शुरुआत करेंगे। गोराई से 18 किलोमीटर दूर उत्तन समुद्र तट पर भी कोली मछुआरे नाराली पुनव को जोर शोर से मना रहे हैं। एक नई बड़ी नाव को समुद्र में उतारा जा रहा है। जश्न का माहौल है। एक आधुनिक सा बैंड तेज संगीत बजा रहा है और कोली महिलाएं संगीत के धुन पर बेसुध होकर नाच रही हैं। मछुआरे पूरे दम से नाव को लकड़ी और रस्सी के सहारे समंदर में खींच रहे हैं। नाव रामभाव पाटिल का है। रामभाव का परिवार नाव के लिए पूजा कर रहा है। रामभाव पिछले 50 सालों से लकड़ी के नाव से मछली पकड़ते आए हैं। आज 25 लाख रुपयों की जमा पूंजी से इन्होंने फाइबर की नाव खरीदी है। रामभाव के लड़के गांव वालों के साथ मिलकर नाव को पानी में उतार रहे हैं। नाव का एक सिरहा ट्रैक्टर में बांधा गया है और दूसरा दूर एक नाव पर। संगीत से मछुआरों को जोश मिल रहा है। जैसे जैसे नाव पानी में जा रहा है, महिलाओं का नाच भी जोर पकड़ता जा रहा है। रामभाव का परिवार भी नाव को लेकर बहुत उत्साहित है। अब शायद ज्यादा मछलियां पकड़ी जाएंगी और आखिरकार घंटों की मशक्कत के बाद नाव समुद्र का सीना चीर कर दौड़ पड़ी। रामभाव का वर्षों का सपना आज पूरा हुआ, मगर वे आशंकित भी हैं। उतन पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन या सेज के बादल जो मंडरा रहे हैं। फाइबर का बोर्ड बनाने के लिए 25 लाख रुपए खर्चा आया। तो 25 लाख खर्चा पैसा लाने के लिए हमें बैंक का कर्जा लिया और अभी देख हमारे इधर सेज लगाया है। वो सेज लगाया हमारे को पेट देखना है, बैंक का कर्जा देखने का, तो ये क्या करने का? नुकसान तो हमारा सब बर्बाद होएगा। समुद्र जाएगा तो हम क्या खाएंगा? हमारा बच्चा लोग, हमारा माँ बाप क्या करेगा, क्या खाएंगा? गोराई उत्तन के इलाके में एसएलवर्ल्ड द्वारा 14,000 एकड़ जमीन पर सेज बनाने का प्रस्ताव है। इससे इलाके के 1,25,000 लोग प्रभावित होंगे। इनमें कोलियों की संख्या लगभग 80,000 है। कोली सेज के विरुद्ध आवाज उठाते आए हैं। सेज बचाओ, सेज हटाओ, सेज बचाओ, हरियाम चाहे कोली।
सेज बनने पर इनकी जीविका, गांव और संस्कृति पूरी तरह तबाह हो जाएगी। वो दरिया जब सेज में जाएगा तो हम क्या खाएगा? हमको नहीं मांगता है, क्यों सेज आएगा तो हमारा बेघर होएगा। साथ में मैंग्रोव्स की कटाई और पानी का प्रदूषण भी मछलियों को खत्म कर रहा है। ये कहानी तो गोराई उतन के इलाके की है। उधर मुंबई के कोली भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। गोराई उतन से लगभग 50 किलोमीटर दूर बसा है माहिम कोलीवाड़ा। मध्य मुंबई के अट्टालिकाओं के बीचों बीच मछुआरों की एक बस्ती। पैतालीस वर्षीय मछुआरा विठल तरे यहां का बाशिंदा है। वो सागर में मछली पकड़ने के लिए तैयार हो रहा है। मछली पकड़ने वाले जाल की मरम्मत में वो ध्यान से जुटा हुआ है। जहाज पर इस्तेमाल होने वाली मोटी रस्सी भी उसने तैयार कर रखी है। विठल 2 या 3 दिनों के लिए समंदर में जाएगा। पत्नी विमला इस बात को जानती है। पति के खाने की व्यवस्था करने में वो जुटी है। चावल के आटे की रोटी बनाई जा रही है। इस बड़ी सी रोटी को आग पर पकाकर कड़ा कर दिया जाता है। ऐसी ढेर सारी रोटियां विठल अपने साथ नाव पर ले जाएगा। विठल अब तैयार है। नाव के लिए राशन, जाल, रस्सी और अन्य सामान लेकर विठल अपने साथियों के साथ नाव की ओर निकल पड़ा है। नाव गहरे पानी में खड़ी है। तट पर एक छोटी सी कश्ती पर सवार होकर विठल बड़े नाव की ओर बढ़ चला। फाइबर कोटेड नाव को लेकर विठल मौसम की पहली खेप के लिए निकल पड़ा। ये मिनोफिलामेंट नेट है, ये कम से कम हम लोग 20 फीट 30 फीट डीप समुद्र में छोड़ते हैं। इसमें 1 किलो 2 किलो का मच्छी आ जाता है और उसमें मच्छी में भी बहुत सी वैरायटी रहती है। कभी पापलेट आता है, कभी रावस आता है, कभी सुरमे आता है, बहुत से शार्क भी मच्छी आता है इसमें 1-1, 2-2 किलो का। मुंबई का स्काईलाइन और बांद्रा वाली सीलिंग का साया अब विठल के लिए नया नहीं है। सीलिंग के बन जाने के बाद लहरें माहिम खाड़ी में ठीक से नहीं आ पा रही हैं और शहर का गंदा पानी खाड़ी की मछलियों को मार डाल रहा है। विठल को अब समुन्दर के ज्यादा अंदर तक जाना पड़ता है। 3 दिनों के लंबे सफर में विठल और उसके साथियों ने काफी मछलियां पकड़ी। मछलियां मारने के बाद विठल ने घर का रास्ता पकड़ा। हाँ, ये तो अपना जो माहिम का जो मीठी नदी का गंदा पानी और ये जो बीच बीच में जो कंक्रीट का ये जो हो गया ला पिलर विलर, उसकी वजह से मच्छी इधर आने के कम हो गए। हम लोग का गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा है और ये जो है ब्रिज की वजह से और हम लोग की मुश्किल बढ़ गई। कड़ी मेहनत के बाद अब थोड़े मनोरंजन का वक्त है। बीच समंदर में कोली लोकगीत ही विठल को सुकून पहुंचाता है। तट नजदीक आते ही विठल के साथियों ने लंगर डाल दिया। फिर मछलियों के साथ कश्ती से घर को चले। घर में खुशी का माहौल है। परिवार की महिलाएं मछलियां बिन रही हैं। इन मछलियों को बेचने तक बर्फ में संभाल कर रखा जाएगा। ये मच्छी हम समुद्र से लाता है, हमारा आदमी जाता है और 6-7 नौकर भी रहता है उसमें।
और सुबह शाम को 3 बजे जाता है और सुबह 11 बजे तक आता है। हम लोग वो लोग मच्छी लेके आता है, फिर हम लोग इसमें आइस भी डाल के सुबह में ससुन डॉक में जाके लीलाओं में जा देते। विकास की अंधी दौड़ ने मछलियों के खेप को बेहद कम कर दिया है। विठल की कहानी मुंबई के समंदर तट पर बसे सभी कोलियों की कहानी है। विकास इनके लिए समृद्धि के बजाय कहर का तोहफा लाया है। जीविका पर पड़ रही मार शायद इन्हें कहीं का नहीं छोड़े। महानगर मुंबई के बीचों बीच स्थित इन मछुआरों की बस्ती को कोलीवाड़ा कहा जाता है। मुंबई में 43 कोलीवाड़े हैं, जहां कोली अपनी संस्कृति में रमे नजर आते हैं। शहर के लगभग 3,70,000 कोली इन कोलीवाड़ों में रहते हैं। मुंबई के कोस्टलाइन के किनारे बसे इन कोलीवाड़ों में ताजी मछली का बाजार लगता है और साथ में जरूरत की सभी सामग्रियां भी मिलती हैं। मछुआरे अपने जाल ठीक करते नजर आते हैं, नाव की मरम्मत होती रहती है, बच्चे समंदर का मजा लेने में चूकते नहीं है। सहकारी समिति द्वारा कोली अपनी आर्थिक और व्यापारिक समस्याएं सुलझाते हैं। मंदिरों में नए पुराने देवों की आराधना की जाती है। कोली महिलाएं अपने कार्य में व्यस्त नजर आती हैं। यहां नए और पुराने का अनोखा संगम नजर आता है। कोलीवाड़ों में शहर का डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशन नहीं लगता है। सरकार ने यहां 1 FSI की सीमा निर्धारित की है, जिसके कारण आबादी बढ़ने के बावजूद ज्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं हो पा रहा है और रहने की जगह की किल्लत है। गांवठनों में डीसी रूल लगाएगा तो 5 फुट की जगह चारों ओर से छोड़नी पड़ेगी, तो इसका मतलब जो हमारा 100 स्क्वायर फीट का जो प्लॉट होगा तो उसमें 5 फीट की जगह आजू बाजू से छोड़नी पड़ेगी, तो हमारे पास घर बनाने के लिए जगह बनेगी ही नहीं। आज भी 14 फीट के ऊपर नहीं बन पा रहे हैं। परमिशन मांगेंगे BMC के पास तो अभी भी नहीं मिल पा रही है। कोली मुंबई के आदिवासी हैं। मुंबई में उनकी उपस्थिति सन 1138 से दर्ज की गई थी। उस जमाने में मुंबई 7 द्वीपों से बना था, जैसे सायन, मजगांव, वर्ली। कोलियों के गांव सभी द्वीपों में थे। मछली पकड़ना उनका पेशा था। वक्त के साथ कोलभाट कोलाबा बन गया है, पालवा बंदर अपोलो बंदर बन गया है। कोलियों की देवी मुंबा देवी से शहर का नाम मुंबई पड़ा। 1770 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन्हें डोंगरी से हटाया। फिर 1960 के बैगबे रिक्लेमेशन ने कोलीवाड़ों को उजाड़ कर उन्हें उन्हीं के शहर में दरकिनार किया। आज कोलीवाड़ों को कानूनी संरक्षण मिला है और कोली अपने पुश्तैनी पेशे से जुड़े हुए हैं। ये बहुत ही एंटरप्रेन्योरियल किस्म के लोग थे, खुद अपना व्यवसाय करते थे उस जमाने में, और हम बात कर रहे हैं 18वीं-17वीं शताब्दी की, जब ये खुद होकर अपना धंधा करते थे। और दूसरा, ये बहुत बड़े पैमाने पर ट्रेडर थे जिनका ताल्लुक पूरे हिंदुस्तान के कोस्ट पर था, और कई बार तो ये अरबों के साथ भी डील करते रहे। सो इंटरनेशनल ट्रेड और एंटरप्रेन्योरशिप, ये दोनों ही चीज़ें इन कोली समाज में अपने को देखने को मिलती हैं। कोली हमेशा से ही अपने आदिवासी देवी देवताओं को पूजते आए हैं। प्राचीन काल से ही प्रत्येक कोलीवाड़ा में 3 भगवान होते थे। ये प्रथा वर्ली के कोलीवाड़ा में अब भी देखने को मिलती है। गांव के द्वार में ही चेरे देव का मंदिर है। गांव के बीचों बीच गोल्फा देवी का मंदिर है। इसमें 3 बहनें हरबा देवी, गोल्फा देवी और साकबा देवी की प्रतिमाएं हैं। गांव के अंत में श्री वेतालेश्वर का मंदिर है।
सारी प्रतिमाएं 16वीं शताब्दी की हैं। कोली अब भी समंदर में जाने से पहले या बीमारी के वक्त इनको पूछते हैं। साथ में काफी कोलीवाड़ों में दरगाह भी देखने को मिलती है। शहरीकरण के कारण अब साईं बाबा और गणपति जैसे नए देवों की पूजा भी होने लगी है। कोली के लिए सबसे महत्वपूर्ण था समुद्र में जाना। समुद्र में जाने से सबसे एक धोखा जो है, जो हम बता नहीं सकते कब तूफान आएगा, मछली मिलेगी नहीं मिलेगी, इसीलिए इनका जो डिपेंडेंस था अपनी देवताओं पर ये बहुत ज़्यादा था। लेकिन धीरे धीरे इनका काम बदलता जा रहा है, मछलियाँ नहीं मिल रही हैं, कई ज़्यादा कोली हो गए हैं, कई ज़्यादा मछली कम होती जा रही है। ऐसी हालत में कोली अब नए भगवान ढूंढ रहे हैं। उन्होंने महादेव को पूजना शुरू किया है, साईं बाबा को पूजना शुरू किया है। अब कई कोली जो हैं वो चलकर यहाँ से शिरडी जाते हैं और लौट कर आते हैं। ये कोलियों का ट्रेडिशन नहीं है, ये करीब 20-25 साल पहले आया हुआ ट्रेडिशन है। कोलियों पर हिंदू धर्म का प्रभाव नया नहीं है, उनके प्राचीन इष्ट मुंबा देवी के साथ भी हिंदू देवियां दिखती हैं। आज कोलियों के संस्कृताइजेशन के कारण गणेशोत्सव, नवरात्रि जैसे हिंदू पर्व भी उनके धार्मिक जीवन का एक हिस्सा बन गए हैं। ये है कोलियों द्वारा मनाया जाने वाला गौरी पूजा। गौरी यानी पार्वती की पूजा में भी काफी रीत हिंदू धर्म के अपनाए गए हैं। पूजा में आरती होती है, मोदक चढ़ाए जाते हैं और विसर्जन होता है, जो कि हिंदू मान्यताएं हैं। आज कोली हिंदू धर्म की कई रीतियों को अपनी संस्कृति में ढाल चुके हैं। हम पाते हैं कि कोली एक बहुत ही दिलचस्प किस्म का समाज है, जो हर संस्कृति को अपनाने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती, हर संस्कृति को अपनाते हैं। उनके यहाँ महादेव की भी पूजा होती है, गणेश जी की होती है, वो नारली पूर्णिमा करते हैं, होली करते हैं, उसमें होली का दहन होता है। हर संस्कृति को वो बड़ी आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं और अपनी मान्यताओं को वो अलग नहीं करते, छोड़ते नहीं, वो अपनी मान्यता भी करते रहते हैं। आज उतन के भाटे बंदर वेलंकनी माता के तीर्थ मंदिर में उत्सव सा माहौल है। कोली और ईस्ट इंडियंस वेलंकनी माँ के जन्मदिन पर आयोजित आध्यात्मिक शिविर में प्रार्थना में जुटे हैं। जन्मदिन 9 दिन बाद है, पर साधना अभी से शुरू है। कोलियों पर क्रिश्चियन धर्म का प्रभाव करीब 500 साल पहले पुर्तगालों के आने से शुरू हुआ था। आज मदर मैरी को कोलियों ने पूरी तरह अपना लिया है और वेलंकनी माँ को उन्होंने एक सागर देवी का रूप दे दिया है। कोलियों द्वारा कैथोलिक धर्म को अपनाने में इन ईसाई मान्यताओं का कोलीकरण निश्चय ही मददगार साबित हो रहा है। हमारे जो कोली बांधव है, जो मनोरी से चौक तक फैले हुए हैं और मच्छीमारी करते हैं, वो तो माता मरिया को बहुत मानते हैं, क्योंकि समंदर में उनको बहुत कठिनाइयों को मुकाबला करना पड़ता है, इसलिए माता मरियम का सहारा वो सब लेते हैं। शाम को 4 बज रहे हैं और वर्सोवा का मच्छी बाजार अपने पूरे शबाब पर है। ट्रॉलर से मछलियां उतारी जा रही हैं और हाट में उन्हें लाकर बेचा जा रहा है। वर्सोवा का पुराना नाम वसावे है। छत्रपति शिवाजी के जहाजी बेड़े ने जब युद्ध के बाद यहाँ पड़ाव डाला था, तब यह नाम पड़ा। वर्सोवा क्रीक काफी गहरा है, यहाँ बड़े ट्रॉलर्स लंगर डाल सकते हैं। वर्सोवा में लगभग 400 फिशिंग बोट्स हैं, जिसमें से 280 ट्रॉलर्स हैं। यहाँ की खास मछलियों में लॉबस्टर और प्रॉन्स शामिल हैं। मछलियाँ यहाँ थोक भाव में खरीदी जाती है। याला घोल मासा बनता है आणि या चाट मधला जो भोट असते ना 8-7 हजार पर्यंत जाते आणि मास याचं 3-3.5 हजार पर्यंत जाते। कमीत कमी 11-12 हजाराचे घोल आहे।
वर्सोवा में 18,000 कोली रहते हैं। कामगार के रूप में काम करने के लिए रत्नागिरी, गुजरात और बिहार यूपी जैसे प्रदेशों से लोग यहां आते हैं। प्रकाश अपने ट्रॉलर को लेकर वर्सोवा क्रीक से समुन्दर की ओर निकल पड़ा है। बोट पर हैं डॉक्टर जी के भांजी। भांजी नेशनल एसोसिएशन ऑफ फिशरमैन के प्रेसिडेंट हैं। ये आज वर्सोवा क्रीक का मुआयना करने निकले हैं। प्रकाश पिछले 30 सालों से इस व्यापार में है। आज ये भी मछलियों के खेप में काफी कमी पा रहा है। महाराष्ट्र के 720 किलोमीटर के कोस्टलाइन में मछली लगातार कम होती जा रही है। रिक्लेमेशन और पोल्यूशन इसके लिए जिम्मेवार है। अच्छे फिशिंग स्पॉट्स अब समंदर में 25 किलोमीटर की दूरी में हैं, जहां बड़े ट्रॉलर्स ने अपना राज कायम कर रखा है। देखिए, डीप फिशिंग के लिए पहला तो एक बड़ा प्रॉब्लम है, फॉरेन ट्रॉलर्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलाउ किया। उसे बड़ी बड़ी कमर्शियल मछली है वो फॉरेनर्स ही लेके जा रहे हैं। ट्रॉलर्स के ऊपर ध्यान दिया, लेकिन गरीब कोली लोग के ऊपर, फिशरमैन के ऊपर नजरअंदाज कर दिया। 1972 में ONGC ने अपने 300 ऑयल रिग्स के 3 किलोमीटर की परिधि में फिशिंग की मनाही कर रखी है। साथ में रिग्स के पोल्यूशन के कारण भी फिशिंग प्रभावित हुई है। डीप सी में आजकल ऑयल के लिए, ऑयल ढूंढने के लिए सर्वे हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल ONGC का सर्वे हो रहा है, उससे प्रदूषण तो इतना हो गया है कि हमें इससे भी बाहर बहुत लंबा दूर जाना पड़ रहा है फिशिंग के लिए। इन सब के साथ डीजल की कीमत भी मछुआरों की कमर तोड़ रही है। डीजल सब्सिडी के बावजूद डीप सी फिशिंग अब फायदेमंद नहीं रहा। डीप जितना लंबा जाएंगे हम, तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाता है। एक तो लंबा जाने का इसका मतलब ये हो रहा है कि हमें डीजल ज़्यादा लगता है। आजकल डीजल के तो रेट्स आपको मालूम है। जब इनपुट ही ज़्यादा हो रहा है और आउटपुट मछली जो मिलती है वो अगर कम मिलती है, तो हमारा फिशरमैन कैसा जिंदा रहेगा, क्या धंधा करेगा। वर्सोवा के जहाज 3 से 7 दिनों के लिए सागर में 80 किलोमीटर तक जाते हैं और रोजाना करीब 80 टन मछलियां पकड़ कर लाते हैं। महाराष्ट्र में आज 4,500 ट्रॉलर्स हैं, पर नियमों के अनुसार 2,500 ट्रॉलर्स ही होने चाहिए। ज्यादा ट्रॉलर्स के कारण छोटे मछुआरे त्रस्त हैं। ससून डॉक, मुंबई का सबसे बड़ा फिशिंग डॉक। डॉक को 19वीं शताब्दी में वाड़िया परिवार ने बनवाया था। यहाँ हर तरह की समुद्री मछली थोक भाव में बिकती है। रेस्टोरेंट्स और आम आदमी के किचन के लिए यहाँ पॉम्फ्रेट, श्रिम्प, लॉबस्टर सस्ते दामों में खरीदी जा सकती है। एक्सपोर्ट के लिए भी यहाँ मछलियाँ स्टोर की जाती हैं। महाराष्ट्र का 40% कैच मुंबई से आता है। इसमें से 70% एक्सपोर्ट हो जाता है और 30% घरेलू इस्तेमाल के लिए रहता है। डॉक से मछलियां अब मुंबई के बाजारों में आ चुकी हैं। ये है बांद्रा का एक फिश मार्केट। सुबह सुबह यहाँ के लोग कोलिनों से ताजी मछलियां खरीदने आ पहुंचे हैं। ग्राहक कोली महिलाओं से सस्ते दामों में मछलियां खरीदने के लिए मशक्कत कर रहे हैं। मोल भाव की वजह से बाजार काफी गर्म है। ये 100 रुपए का 5 कोली महिलाएं अपनी मछलियों से बेहद प्यार करती हैं और वे उनका गुणगान करते नहीं थकती। ये पापलेट है, ये अच्छा आता है खाने को और पब्लिक इसको बहुत पसंद करता है। फिर इसमें एक मसाला वगैरह डाल के बनाते हैं, फ्राई मसाला फिश जैसा मांगता है ऐसा कड़ी बड़ी ग्रेवी भी सब बनता है। और ये झींगा है जंबो प्रॉन्स, ये खाने में बहुत टेस्टी रहता है, थोड़ा एक्सपेंसिव और होटल में बहुत चलता है, ज़्यादा करके होटल में पब्लिक ज़्यादा डिमांड है इसको। और ये स्मॉल झींगा ये तो ऑलरेडी सब लोग खाते हैं। ये कर दिए, इसको चाइनीज में ज़्यादा यूज होता है, चाइनीज डिश में। और ये बॉम्बे डक है, सबसे बेस्ट मछली बम्बई का डक। ये ऑल किधर नहीं मिलता है, खाली गुजरात और बम्बई में मिलता है।
हाँ, और ये दाढ़ा फिश है, रावस, बिग रावस, ये बता ना मंगता है, इसका मुंडी नहीं है, चलेगा? ये देखो ये दाढ़ा मच्छी है, रावस और बिग रावस, ये भी खाने को टेस्टी, सबसे एक्सपेंसिव मच्छी, 300 रुपये।